बनाने जा रही हूँ झटपट फ्राइड मसाला मैगी। मैगी तो हम सब बनाते हैं फ्रेंड्स, हम सबको लंबे लंबे नूडल्स वाली मैगी खाना ज्यादा पसंद है, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लंबे लंबे नूडल्स वाली फ्राइड मसाला मैगी। इस रेसिपी को देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम झटपट मसाला फ्राइड मैगी बनाना शुरू करते हैं। एक पूरा मैगी हमें इसको हाफ तोड़ के डालेंगे, क्योंकि तो इसके लंबे लंबे नूडल्स आएंगे। पसंद आता है ज़्यादातर, तो हम एक कप पानी डालेंगे इसमें और गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। मैगी बॉईल करते समय हम इसमें एक स्पून ऑयल डालेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। हमारे पास जो मैगी मसाला, हमने एक पैकेट एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो हम एक पैकेट मसाला हम अभी ऐड करेंगे जब हम मैगी उबालेंगे, और एक पैकेट हम फ्राई करते टाइम ऐड करेंगे। ये मैगी में हमारा मसाला मिक्स हो चुका है और पानी भी सूख गया है, पानी भी ड्राई हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम इसको नीचे रख करके थोड़ी देर, जब तक हम मसाला फ्राई करेंगे तब तक के लिए इसको ढक कर रख देंगे। मसाला फ्राई करना स्टार्ट करेंगे, अभी हमने पैन रख दिया है गैस पर। मसाला फ्राई करने के लिए हम तेल ऐड करेंगे पैन में। पैन गर्म हो गया है, ऑयल भी गर्म हो गया है, अब हम इसमें अनियन ऐड कर देंगे। हमारा अनियन बिल्कुल ही रेड हो गया है, अब हम इसमें जो हमारा मैगी मसाला है वो डाल देंगे, ऐड कर देंगे वो भी अच्छे से, और हमने जो ब्लैक पेपर पाउडर लिया वो भी ऐड कर देंगे, और जो हमारा टमाटो सॉस है ये भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें मैगी ऐड कर देंगे जो हमने बॉयल करके रखा था, और हम इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम मसाले के साथ अच्छे से मैगी को मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से, ताकि मैगी नूडल्स हमारे लंबे लंबे रहे। ये हमारा मैगी ऑलमोस्ट फ्राई होकर रेडी होने ही वाला है, 1 मिनट हम और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है मैगी, आप देख रहे हैं। ये बहुत ही झटपट मसाला फ्राइड मैगी बनाने की रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए फ्रेंड्स। हमारा फ्राइड मसाला मैगी बन के रेडी है, हम गैस ऑफ कर रहे हैं फ्रेंड्स और सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये हमारा झटपट मसाला फ्राइड मैगी बन के रेडी है, जो बहुत ही यम्मी देखने में लग रहा है, खाने में उससे भी ज्यादा यम्मी और टेस्टी है फ्रेंड्स।